हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल सो अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं सो सबसे पहले हमारे पास एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर करके चलेंगे हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं वाले सो आपको अगर किसी भी पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो ठीक है चलो सबसे पहले तो क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स अब क्या मतलब है इसका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स मतलब सिंपली बेटा आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सो देखो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वन फोर्टी ठीक है सो so, स्टार्ट कर लेते हैं भाई यहाँ पे लिखा हमने 140 फोर्टी किससे स्टार्ट करेंगे टू के टेबल से स्टार्ट कर ले बिल्कुल ऐसे करने वाले हैं हम क्वेश्चन कि आप बहुत छोटे छोटे बच्चे हो और उस तरीके से करेंगे ताकि आपको बहुत इजी लगे ठीक है भाई सो so, टू से करा ये आ गया सेवन जीरो फिर से टू से कर दो ये आ जाएगा थ्री फाइव फाइव के टेबल से हो जाएगा फाइव के टेबल से कर दो ये आ जाएगा सेवन अब सेवन तो सेवन के टेबल से ही होगा तो ये आ गया वन सो वी कैन राइट वन क्वल टू क्या है प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू सेवन क्लियर कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं वन फिफ्टी सिक्स चलो यहीं पे इसको ऊपर कर लेते हैं सो सेकेंड पार्ट है हमारा में so, है है के से ही करेंगे हम even number है ना सो so, टू से करेंगे टू सेवन जा फोर्टीन बचा ये हो जाएगा हमारे पास सिक्सटीन सो टू एट जा सिक्सटीन फिर से टू से कर देंगे सो so, ये आ जाएगा टू थ्री जिक्स बचा एटीन नाइन से करना पड़ेगा अब ये हमारा थ्री के टेबल से आराम से हो जाएगा तो इसको थ्री के टेबल से करेंगे को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो ये आ गया भाई थ्री से थ्री वन जर थ्री 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 जर नाइन अब थर्टीन एक प्राइम नंबर है प्राइम नंबर है सो so बेसिकली हमें थर्टीन से, से ही करना पड़ेगा क्योंकि और किसी के टेबल में तो आएगा नहीं सो so, अब लिख सकते हैं वन फिफ्टी सिक्स इक्वल्स टू टू इन टू टू इन थ्री इन थर्टीन ऑल्सो एक कन्फ्यूजन रहती है कि मैम अगर हमने पहले स्टार्टिंग में थ्री से कर दिया बाद में टू से किया तो वो ये वाला जो ऑर्डर है वो कुछ भी चलेगा स्टार्टिंग में अगर थर्टीन से भी कर दोगे तब भी चलेगा बट ट्राई करना हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करना ठीक है बाकी यू गलत नहीं होगा वो ठीक है चलो नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास वी हैव थर्ड है हमारे पास थ्री एट टू फाइव यहाँ पे कर ले थर्ड पार्ट सो वी हैव थ्री 8, 2, अब देखो लास्ट में फाइव है मतलब टू के टेबल से तो नहीं होगा थ्री के टेबल से देख लें एक बार सो एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन थ्री के टेबल से हो जाएगा क्योंकि इनका जो सम है वो थ्री के टेबल में आता है ठीक है मैंने थ्री छोड़ दें इन तीनों को सम किया तो वो फिफ्टीन आया और अंडरस्टूड है कि थ्री तो आएगा ही ठीक है so, सो तो इसे स्टार्ट किया हमने थ्री वन ज थ्री थ्री टू जो सिक्स ये यहाँ पे बचा एट मैं थोड़ा थोड़ा धीरे लेके चल रही हूँ बेटा क्योंकि ना इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है ठीक है तो बिल्कुल बेसिक करके चलते हैं करते बेटा हम यहाँ पे डिवीजन ही है Three ones three, अब एट तो के नीचे हमने six रखा है, तो कितना बचेगा सो बचेगा, तो ये हो जाएगा ट्वेंटी टू तो थ्री के टेबल में नहीं आता लेकिन ट्वेंटी वन आता है तो सेवन से कर देंगे ट्वेंटी वन हो जाएगा अगेन ट्वेंटी टू के नीचे ट्वेंटी वन रखा तो वन बचा बेटा तो ये हो जाएगा फिफ्टीन फिफ्टीन का बात है थ्री के में फाइव पे ठीक है अब देखो थ्री के ट्वेल्व आता है सेवन एट नाइन टेन इलेवन टी फाइव भी आता है भाई सो so थ्री से कर देंगे फिर से थ्री फोर जा 12, दोनों नंबर चले गए ठीक है ना अब सेवन से छोटा सिक्स थ्री टू जा एंड हो जाएगा फिफ्टीन अगेन फाइव पे आप देख लो फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन अब ये जो है आगे हमारा थ्री के टेबल से नहीं होगा तो नेक्स्ट हमें दिख रहा है कि भाई फाइव के टेबल से तो हो ही जाएगा क्योंकि लास्ट में इसके फाइव है सो करते हैं इसको फाइव के टेबल से अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि ये थ्री के टेबल से हो सकता था लेकिन आपने यहाँ पे में आप से कर देते तो कोई दिक्कत नहीं है वो अपने आप ऐसे कि आपको फिर से, से करना पड़ेगा ठीक है तो टेंशन नहीं लेने की तो आगे खराब हो गया थ्री तो के एक ही फैक्टर मिलेगा ऐसा कुछ नहीं होता सो so, अब देखो फाइव एट 40 हो जाएगा 42 के नीचे 40 रखा है आपने तो so, 2 बचा ये 25 फाइव बन गया समझ में आ रहा है ना बेसिकली डिवीजन जैसे करते हैं वही चीज है ये सो so, ट्वेंटी

इक्वल्स टू बेटा थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवेंटी ओके क्लियर समझ में आ गया नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं फोर्थ पार्ट है हमारे पास फाइव जीरो जीरो फाइव स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट इज उसको पहले ऐसे कर लो फाइव जीरो जीरो फाइव ठीक है बेटा अब यहाँ पे देखते हैं जनरल फाइव के टेबल से तो हो ही जाएगा क्योंकि लास्ट में फाइव है तो स्टार्ट कर देते हैं फाइव से ही आ जाएगा वन जीरो जीरो वन एंड अब देखो वन जीरो जीरो वन ठीक है टेबल से तो नहीं जा रहा ठीक है, है? वन प्लस वन टू होता है क्योंकि आप आगे क्या करोगे जब भी आप किसी ऐसे नंबर पर फंस जाओ ना कि समझ नहीं आ रहा आगे किससे होगा

जगह 11 रखेंगे 3 बच रहा है सो so 33 आएगा 11 के टेबल में सो so इसको 11 से करेंगे सो so ये हमारा हो जाएगा 11 11 बचा 33 तो ये होगा 3 से अब 13 तो हमें पता है प्राइम नंबर है सो so ये 13 से ही होगा सो दैट मींस हमारे पास आ गया 5 into 7 into 11 into में 13 ठीक है क्लियर है समझ में आ गया चलो नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के साथ फिफ्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट है 7 4 to 9. Cycle to 7, four, two, nine. So we have आप आप अगर आप ध्यान से इसको देखोगे भाई प्लस करके के टेबल में नहीं आता थ्री के टेबल से नहीं जाएगा फोर के टेबल से भी नहीं जा सकता प्राइम नंबर पे आ जाओ फाइव से नहीं जाएगा सेवन से करने की कोशिश करोगे ये हो जाएगा आगे नहीं होगा सो so, ऐसे तिगड़म लगाते रहो थर्टीन सेवनटीन पे जाके रुकोगे क्योंकि ये सेवनटीन के टेबल से होगा बेटा 17 के टेबल में आप देखो करके देखती मैं आपको पता चल जाएगा करके जब दिखाऊंगी अब क्या आता बचा सिक्सटी टू अब 62 से छोटा क्या आता है 51, so कब आता है ये देखो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ऐसे ओरली करना तो हम इसको मैं डिवाइड करके बता रही हूँ आपको सेवन फोर टू नाइन ठीक है आप सेवेंटी क्योंकि ना थर्टीन के टेबल से भी डिवाइड करके करना पड़ेगा ज्यादा ईजी रहेगा डिवीजन वैसे को देखो मैं सच बताऊं इतने मुश्किल आते नहीं है बट यू नेवर नो हम ऐसे चांस हो रहे लेकिन आते नहीं तो हम करें ही ना चलो अब देखो जरा सेवनटीन ये तो हमने वैसे कर लिया बट फिर से करते हैं सेवनटीन सेवनटी फोर से छोटा क्या आता है बेटा सिक्सटी एट आता है तो फोरजा सिक्सटी एट हो गया एंड यहाँ पे टू नीचे आ जाएगा एंड ये हो जाएगा एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन सो ये आ गया हमारे पास सिक्स और ये जीरो हो गया सिक्सटी टू अब सिक्सटी टू से छोटा क्या होता है हमारे पास फिफ्टी वन होता है सो so, थ्री से करना पड़ेगा ये आ जाएगा फिफ्टी वन ऊपर से नाइन नीचे आ जाएगा और ये देख लो टू में से वन गया वन आ गया और ये आ गया वन वन नाइन अब वन वन नाइन कब आता है आता है बिल्कुल सेवन पे आता है ये आ जाएगा वन वन कोई ना। इसे मैंने आपको करके दिखा दिया. लेकिन नंबर फिर से ऐसा आ गया फोर थर्टी सेवन देखो जरा किससे से हो सकता है ये अगर हम इलेवन से करने की कोशिश करें तो आएगा थर्टी थ्री नहीं हो पाएगा एंड उसके अलावा देखो नाइनटीन के टेबल से हो सकता है नाइनटीन के टेबल से करें इसको चलो 19 से करते हैं सो ये है 437 थर्टी so, सेवन सो अब देखो 19 छोटा क्या है टू से ये करना पड़ेगा 19 टू जा ये हो जाएगा हमारे पास 38 ये आ गया हमारे पास 7 एंड 13 में से 8 माइनस करेंगे 57 आ गया 57 कब आता है 19 थ्री जा होता है भाई 57 सेवन so सो ये आ गया जीरो दैट मीन्स पूरा जीरो आ गया पूरा पूरा कैंसिल हो गया सो so यहाँ पे अगर हम नाइनटीन से करेंगे तो ये आ जाएगा ट्वेंटी एंड ट्वेंटी अगेन इज अ प्राइम नंबर तो अगर ये प्राइम नंबर है तो किसी और के टेबल में नहीं आएगा ट्वेंटी थ्री से किया और ये आ गया वन तो क्या फैक्टर्स हुए हमारे के देखा कितना कितना सुंदर सा सा नंबर लग रहा था और कितना मुश्किल वो इंटू नाइनटीन इंटू ट्वेंटी थ्री तो इस क्वेश्चन में आपने अभी ये सीखा कि जब भी आप अटक जाओ कि समझ नहीं आ रहा मैम ये कौन से टेबल से होगा कैसे होगा ऑलवेज गो फॉर दी प्राइम नंबर्स यही सबसे ऐसे प्राइम नंबर्स है जिन पे आप जा सकते हो आगे 41 वगैरह भी है बट उसको छोड़ो अभी ये समझ लो कि जब भी ऐसे प्राइम फैक्टर्स करोगे ना अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये सेवन और जितने भी आगे प्राइम नंबर्स आपके पास थर्टीन से करोगे देन आप करोगेटीन पे आओगे ट्वेंटी थ्री पे, पे आओगे प्राइम नंबर ही आपको मिलेंगे अगर आपको इतना ईजिली कोई टू थ्री फाइव वगैरह नहीं मिल रहे तो ठीक है चलो इसी के साथ आई थिंक दिस वॉज दी फर्स्ट क्वेश्चन एक और पार्ट है क्या इसका गए भाई क्वेश्चंस नहीं लास्ट पार्ट था तो पांचों पांचों पार्ट हमने कर लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं

L.C.M. ठीक है अब देखो थर्टीन से हम कर सकते हैं इसको लेकिन टू से स्टार्ट करें क्योंकि आगे जाके भी टू पे तो आना ही पड़ेगा भाई तुमको सो so, टू से अगर मैं इसको स्टार्ट करूं तो ये हो जाएगा वन थ्री एंड नाइन वन क्या होगा भाई होगा ही नहीं ना टू से तो नाइनटी वन

आया है एलसीएम है हमारा 13 into 2 into 7 सो so 7 2 14 13 into 14 कर लेते हैं 13 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो 4 3 12 एंड ये हो जाएगा 4 1 4 plus 1 5 आ गया 1 से कराई आ गया 3 1 और ये आ गया 2 5 6 7 8 और ये आ गया 182 सो वी हैव 182 ये आ गया हमारा एलसीएम अब निकालते हैं एचसीएफ इसको तो रप कर देते हैं सो बेटा एच अगर आपको निकालना है तो देखो एच किसका निकालना है ट्वेंटी सिक्स और नाइन्टी वन का अलग से ट्वेंटी सिक्स करेंगे अलग से ही 91 वन करेंगे इसको थोड़ा सा इधर स्लाइड कर लेते हैं इधर आजो भाई ठीक है थैंक यू सो मच जूम आउट क्यों हो गए तुम चलो कोई बात नहीं टू से करना स्टार्ट करते हैं इसको वन थ्री अब तो टू से नहीं होगा फिर हमें थर्टीन से ही करना पड़ेगा सो ये आ गया वन यहाँ पे देखो सेवन से पहले कर लेते हैं सेवन वन ज सेवन बचा ट्वेंटी वन थ्री से करेंगे देन अगेन थर्टीन करना पड़ेगा वन अब दोनों में कॉमन क्या है बेटा ओनली थर्टीन इज कॉमन सो देअर फोर हमारा हो जाएगा थर्टीन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब इसको वेरीफाई भी करना है अब अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो so वेरिफिकेशन में क्या करते हैं हम करते हैं एल सी एम इन टू एच सी एफ ये निकालेंगे और साथ में प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स तो एल सी एम एच सी एफ किसका निकालना है एल सी एम इन टू एच सी एफ करोगे मतलब वन एटी टू को मल्टीप्लाई करोगे थर्टीन से करके देखें सो वी हैव वन एटी टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं थर्टीन से थ्री टू जिक्स एट थ्री जो ट्वेंटी फोर सो ये आ गया ऊपर टू देन थ्री फोर फाइव ये आ गया फाइव फोर सिक्स वन से भी करना है तो ये आ गया टू एट वन एंड दिस इज सिक्स फोर फाइव सिक्स एंड वी हैव एट नाइन टाइन इलेवन टर्टीन सो वी हैव टू हियर सो ये आ गया जी टू थ्री सिक्स सिक्स तो हमने जब एल सी एम और एच सी एफ को मल्टीप्लाई किया टू थ्री सिक्स सिक्स आ गया अब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अगर हम निकाल रहे तो कैसे निकालेंगे क्या दो नंबर्स है हमारे पास और so, करेंगे, आ so, रही क्या हो गया यहाँ पे लिया हमने नाइन्टी वन एंड साथ में लिया ट्वेंटी सिक्स तो ये आ गया सिक्स वन सास नाइनजा अभी भी मैं ऊपर आ रही हूँ क्या कवर नहीं कर रही ना मैं फिर ठीक है सो सिक्स नाइनजा 54 एंड देन वी हैव टू से करना है टू वन से टू टू इन टू नाइन इज एटीन एन हो जाएगा सिक्स फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन एंड ये आ गया टू सो वी हैव टू थ्री सिक्स सिक्स वेरिफिकेशन कर दिया दोनों सेम आए हैं इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा एल सी एम और एच सी एफ दोनों ही हमने ठीक निकाले हैं ठीक है चलो अब देखते हैं ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था चलो भाई उधर हो जाओ सेकेंड पार्ट

करते हैं इसको टू से इसको तो एज इट इज लिखना पड़ेगा क्योंकि ये टू के टेबल से नहीं होगा लेकिन ये हो जाएगा सो ये आ जाएगा टू थ्री ट्वेंटी थ्री अब देखो यहाँ पे ये ट्वेंटी थ्री आ गया अभी लेकिन ये नंबर है जो हमें ये तो पता है प्राइम है ये तो ट्वेंटी थ्री से ही होगा लेकिन ये नंबर अभी भी ऐसा जो हमें पता है फाइव से कर सकते हैं तो स्टार्ट करेंगे फाइव से किया तो ये फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव एंड ये आ गया वन

एंड इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं अब थ्री के टेबल से करूंगी तो यहाँ पे आ गया वन और ये आ गया ट्वेंटी थ्री अब देन हम ट्वेंटी थ्री से करेंगे तो ये आ गया वन वन सो तो आप देख सकते हो इसका ऑर्डर चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग कोई फर्क नहीं पड़ता चलो जी एल सी एम निकालना है सो एल सी एम हमारा हो जाएगा टू टू ज फोर फोर फाइव ज ट्वेंटी एंड देन वी हैव सेवनटीन थ्री जो फिफ्टी वन ले लेते हैं और देन ट्वेंटी थ्री सो आपको भाई इन सब नंबर्स को करना है मल्टीप्लाई सो so, पहले क्या करते हैं ट्वेंटी थ्री और फिफ्टी वन को कर लेते हैं देन ट्वेंटी इजी साइड टू से मल्टीप्लाई करेंगे साथ में जीरो लगा देंगे सो so, इसको करते हैं थ्री वन ज़ा थ्री फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन देन टू से करेंगे टू वन ज़ा टू फाइव टू ज़ा टेन एंड ये हो गया थ्री फाइव सिक्स सेवन वन वन सो वन वन सेवन थ्री आ गया लेकिन ये एल सी एम नहीं है क्योंकि इसको अभी ट्वेंटी से भी तो करना है टू से कर रही हूँ और साथ में जीरो लगा लूंगी मैं तो ये हो जाएगा थ्री टू ज़ा सिक्स सेवन टू ज़ा फोर्टीन टू वन ज़ा टू प्लस वन थ्री टू वन ज़ा टू और साथ में जीरो क्योंकि ट्वेंटी से करना था तो ये आ गया टू थ्री फोर सिक्स ज़ीरो ठीक है ये क्या निकाला है दिस इज दी एल सी एम नाउ वील फाइंड दी एच सी एफ सो एच सी एफ निकालने के लिए फाइव वन जीरो अलग से ले लेंगे स्टार्ट कर लेते हैं इसको टू से टू से करेंगे तो ये आ जाएगा टू इलेवन अगेन फाइव से टेन आएगा देन बचा टेन फिर से फाइव से करना पड़ेगा अगेन आप देखो फाइव प्लस फाइव टेन होता है प्लस टू ट्वेल्व होता है तो थ्री के टेबल से भी चला जाएगा तो यहीं पर ही थ्री के टेबल से कर दोगे तो फाइव के टेबल से भी करोगे तो गलत नहीं होगा ठीक है ना सो so, थ्री के टेबल से करेंगे तो ट्वेंटी फोर से छोटा ट्वेंटी आता है एट से करेंगे ये हो गया हमारा ट्वेंटी फोर बचा फिफ्टीन अगेन ये हो जाएगा फाइव से एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन अब तो प्लस हो गए थ्री के टेबल से नहीं होगा तो हम फाइव के टेबल से कर लेते हैं फाइव के टेबल से करोगे तो हमें पता है सेवनटीन फाइव होता है तो ये सेवनटीन आ जाएगा सेवनटीन आ, आ गया वन ठीक है तो ये हुआ है अभी किसका फा, बेसिकली फाइव वन जीरो का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है नेक्स्ट है जी नाइनटी टू अब देखो ये तो टू से हो सकता है तो टू से स्टार्ट कर देंगे इसको ये हो जाएगा टू फोर जा, हमारा एंड बचा 12, so पे करेंगे अगेन टू से हो सकता है, जाएगा two, यहां पे है, भी है और तो कॉमन कुछ भी नहीं है देखो यहाँ थ्री है उधर नहीं है उधर फाइव, फाइव नहीं है उधर टू एक और बार लेकिन इधर नहीं है सो देर फोर हम कह सकते हैं इसका एच सी एफ आया है टू ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना भाई

फोर सिक्स नाइन टू ज़ीरो ये अभी क्या किया है एलसीएम को एच से अगर यहीं पे हम इसका प्रोडक्ट भी निकाल दें प्रोडक्ट किसका निकालेंगे दोनों नंबर्स का कौन से दो नंबर्स थे हमारे पास फाइव वन जीरो एंड नाइन्टी टू तो फाइव वन जीरो का नाइन्टी टू से हमें प्रोडक्ट निकालना है इसको थोड़ा सा और ऊपर भेज देती हूँ मैं एंड यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं फिफ्टी वन इन नाइन्टी टू कर लेते हैं एंड देन ज़ीरो लगा लेंगे ठीक है चलेगा ना बिल्कुल चलेगा सो so, 92 टू को हम कर रहे हैं बेटा फिफ्टी वन से मल्टीप्लाई वन इंटू टू इज़ टू वन इंटू नाइन इज नाइन एंड ये हो जाएगा फाइव टू जा टेन देन नाइन फाइव ज़ा फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स आ गया एंड ये हो जाएगा टू नाइन एंड ये फोर सिक्स है फोर सिक्स नाइन टू और साथ में जीरो छोड़ा था ना तो फोर सिक्स नाइन टू जीरो यू कैन सी भाई प्रोडक्ट हमारा इक्वल है एलसीएम सी एम के ठीक है कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट पार्ट पे भाग जाते हैं फिर चलो एक तो बोर्ड में खो जाता है यार कहाँ लिखे हैं क्वेश्चंस ये रे ये रे तो so, भाई हमारा 2691 हो गया ये हो गया अब बचा 336 और 54 साइड हो जो यहीं पे ही लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा स्पेस बना के सो वी हैव 336 एंड कहाँ गया 54 पहले एलसीएम ले रहे हैं तो दोनों को साथ में रखते हैं टू से कर सकते हैं टू से स्टार्ट करेंगे दोनों के लास्ट में इवन नंबर है टू से आराम से हो जाएगा तो ये हो गया जी टू वन जा टू ये बचा थर्टीन तो टू सिक्स ज ट्वेल्व हो जाएगा एंड ये बचा हमारे पास सिक्सटीन सो तो ये हो जाएगा टू एट जॉ सिक्सटीन अब यहाँ देखो टू टू ज़ा फोर या आ गया सेवन आ जाएगा क्योंकि फोर्टीन बन गया ना अब देखो जरा ये तो टू के टेबल से भी हो जाएगा तो इसी से ही चलाते हैं ये एज इट इज ट्वेंटी सेवन लिख देंगे क्योंकि ये टू के टेबल से नहीं होगा यहाँ पे देखो टू एट जिक्सटीन है हमारे पास एंड टू फोर जा एट हो गया अब भाई अभी भी टू के टेबल से हो जाएगा सो फिर से टू के टेबल से कर दो ये आ गया फोर्टी टू ये ट्वेंटी सेवन एज इट इज अभी भी टू के टेबल से हो जाएगा सो ये आ जाएगा ट्वेंटी वन और अब जाके रुक जाएगा दोनों में से कोई भी नंबर टू से नहीं हो रहा तो दोनों में से कोई भी नंबर टू से नहीं हो रहे लेकिन दोनों नंबर ही थ्री से हो रहे हैं सो दैट मीन्स ये आ जाएगा सेवन ये आ जाएगा नाइन अगेन सेवन तो प्राइम नंबर है सेवन से ही होगा लेकिन नाइन अभी भी थ्री से हो सकता है सो so थ्री से करेंगे आ गया सेवन नाइन की जगह थ्री फिर से एक बार थ्री से कर दो ये आ जाएगा सेवन और वन और अब अगर हम सेवन से करेंगे तो ये आ जाएगा वन वन ठीक है क्लियर यहाँ तक एलसीएम निकाल लें बेटा आप सो एल सी एम हमारा हो जाएगा देख लो जहाँ तक कर सकते हैं टू टू ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट एट टू ज़ा सिक्सटी यहाँ चलो पेयर्स बना ले ताकि ईजी हो जाए ये हो गया हमारा सिक्सटीन देन थ्री थ्री जा नाइन नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन और सेवन है वैसे हमें आगे कर सकते थे हम चलो कोई बात नहीं अब हमें फ़िलहाल करना है सिक्सटीन को कितना लिया था थ्री थ्री जा नाइन नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन से करना है भाई सो so, ये हो जाएगा सेवन सिक्स ज़ा फोर्टी टू सो so, ये आ गया फोर टू सेवन वन जेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड टू से करेंगे सिक्स टू ज ट्व टू वन जो टू प्लस वन थ्री हो गया ये हो गया टू ये हो गया थ्री ये हो गया फोर अब देख लो यहाँ पे एक सेवन भी बचा हुआ था इस बेचारे को भी ले लो यार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सेवन से सेवन टू ज फोर्टीन सेवन थ्री जै ट्वेंटी वन प्लस वन ट्वेंटी टू एंड सेवन फोर जै ट्वेंटी एट वन नाइन थर्टी सो ये आ गया थ्री जीरो 24, ये बेटा हमारा एल सी एम ठीक है इसको बड़ा कर लो यार या इसको ऐसे कर लो बेटर ये भी कैलकुलेशन है ना हटाओ सारी चलो एल आ गया अब बारी आती है भाई एच की सो so, एच निकालते हैं क्या नंबर्स है वी हैव थ्री थर्टी सिक्स पहले इसको ही कर लेते हैं ये थोड़ा तो टू से ही ऐसे यू चलता हो जाएगा सेम देखो यहाँ पे जो करोगे ना यही वाला सेम चलता हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पहले नंबर ही वो साइन हो गया था ना चलो यहाँ पे करके दिखा देती हूँ भाई मैं टू से करेंगे ये आ जाएगा हमारा वन थर्टीन आ जाएगा सिक्स पे सिक्सटीन आ जाएगा एट पे फिर से टू से करेंगे ये आ गया एट ये आ गया फोर फिर से टू से करेंगे ये आ गया फोर ये आ गया टू फिर से टू से करेंगे ये आ गया टू ये आ गया वन थ्री से कर दो ये आ जाएगा सेवन सेवन से कर दो वन आ जाएगा ठीक है जल्दबाजी में गलत तो नहीं कर दिया ठीक है है चलो आगे देख लेते हैं Next हमारे पास क्या करना पड़ेगा ये हो जाएगा नाइन पे फिर से थ्री से करेंगे ये हो जाएगा थ्री पे थ्री पे वन पे ओके एक चीज का ध्यान रखना है बेटा यहाँ पे एलसीएम मान लो आपने टू की जगह फोर ले लेना फिर भी एक पल को चल जाएगा क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई होना है वैसे करना नहीं है हमें प्राइम नंबर्स ही लेने हैं वहाँ पे फोर सिक्स वगैरह मत लेना ठीक है ये चीज समझ में आ गई यहाँ पे अगर ये गलती कर दी ना मान लो यहाँ पे अपने थ्री की जगह नाइन से डायरेक्ट कर देते कि यहाँ नाइन लिख देते इधर दे थ्री आ जाएगा वो गलती नहीं करें क्योंकि पहली बात तो नाम ही उसके प्राइम फैक्टर्स है तो उधर प्राइम फैक्टर्स ही होने चाहिए अगर ऐसी गलती करोगे तो कॉमन नहीं मिलेगा तो एच गलत निकल जाएगा ठीक है तो ध्यान रखना हमेशा यहाँ पे प्राइम नंबर तभी इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन है ठीक है जी चलो अब देखो जरा एच हमारा क्या आ जाएगा क्या क्या कॉमन है टू इधर भी है टू इधर भी है अब यहाँ तो और टू है वहां पे नहीं है थ्री यहाँ पे है थ्री यहाँ पे भी है अब इधर और थ्री है लेकिन इधर नहीं है सो so, क्या मिला हमें एक टू कॉमन है और एक थ्री कॉमन है थ्री टू जिक्स ठीक है तो एच सी एफ आ गया सिक्स अब करनी है वेरीफिकेशन तो पहले थ्री जीरो टू फोर को मल्टीप्लाई कर दो सिक्स से दिख भी रहा है मैंने इतना ऊपर लिख दिया दिख जाएगा वैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग सिक्स फोर जा जाएगा so साथ में हमारा प्रोडक्ट अगर हम निकालें दोनों का तो प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा प्रोडक्ट किस किसका निकालना है प्रोडक्ट निकालना है बेटा हमें थ्री थ्री सिक्स और फिफ्टी फोर का तो कहीं स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा इधर ले जाओ वी हैव रुक जा भाई क्या था 336 और 54 को कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई एक एक कैलकुलेशन मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ ताकि कहीं पे भी अगर आप गलती कर रहे हो तो पकड़ पाओ ठीक है सो वी हैव सिक्स फोर जार ट्वेंटी फोर देन वी हैव फोर थ्री जार ट्वेल्व एंड थर्टीन फोर्टीन सो ये आ गया फोर्टीन ये आ जाएगा फोर थ्री जै टन थर्टीन देन वी है थर्टी एंड फाइव थ्री फिफ्टीन सिक्सटीन सेवन एटीन और ये हो जाएगा फाइव थ्री फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन सो ये हो गया फोर फोर एट नाइन टेन इलेवन एंड सिक्स सेवन एट और ये आ गया वन एट वन फोर फोर देखना जरा पहले जैसा सेम है ना वन एट वन फोर फोर सो वेरीफाई कर लिया भाई प्रोडक्ट और एलसीएम टू एच सी एफ सेम आया है और कोई पार्ट नहीं है इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर टू होता है कंप्लीट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो थर्ड क्वेश्चन देख लो भाई थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड दी एल सी एम एंड एच सी एफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अपलाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है कोई भी क्वेश्चन हमें इस सीरीज में छोड़ के नहीं जाने वाले इसलिए इस क्वेश्चन को भी लेते हैं इसमें हमें वेरिफिकेशन बस नहीं करनी बाकी एल सी एम इंटू एच सी एफ निकालना है ठीक है एल सी एम इंटू एच सी एफ सॉरी एल सी एम और एच सी एफ निकालना है यहाँ पे अब तीन नंबर्स आ जाएंगे तो पहला है हमारे पास ट्वेल्व फिफ्टीन एंड ट्वेंटी वन सो स्टार्ट करते हैं ट्वेल्व फिफ्टीन ट्वेंटी वन के एल सी एम से सो वी हैव टू से स्टार्ट कर ले या देखो अब यहाँ पे क्या चीज लगेगी थ्री में तीनों आ दो थ्री से कर दो कोई बात नहीं टू आगे जाके देख लेना अपने आप आ जाएगा आपका सो अगर मैं थ्री से करती हूँ इसको तो ये हो जाएगा थ्री फोर जा एंड ये हो जाएगा फाइव ज और ये हो जाएगा सेवन ज अब सिर्फ फोर ऐसा नंबर है जो प्राइम नहीं है मतलब इसको हम टू से कर सकते हैं ये आ गया टू ये आ गया फाइव ये आ गया सेवन फिर से टू से करेंगे तो ये आ जाएगा वन फाइव और सेवन एज इट इज सो अब इसको कर देते हैं हम फाइव से ये आ जाएगा वन वन और सेवन एज इट इज फिर कर देंगे सेवन से तो ये आ जाएगा वन वन एंड वन अब नीचे वन वन आ गए तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं थ्री टू जर सिक्स सिक्स टू से ट्वेल्व सो आ गया ट्वेल्व एंड सेवन फाइव से थर्टी फाइव मतलब आपको थर्टी फाइव को ट्वेल्व से करना है मल्टीप्लाई ठीक है तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन करके एलसीएम निकाल लेते हैं ये हो जाएगा 5 10, 3 6, plus 1, 7. 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा भाई जीरो सेवन एट नाइन टेन इलेवन टे आ गया थ्री प्लस वन फोर सो एल सी एम आ गया हमारा कहा लेकिन ये लिख दू एल सी एम इज इक्वल टू फोर ट्वेंटी आप चलते हैं एच सी एफ निकाल लेते हैं इसको हटा देते हैं यहाँ से सो so, एच सी एफ में सबसे पहले ले लो भाई ट्वेल्व टू से कर लो ये आ जाएगा सिक्स फिर से टू से कर दो ये आ गया थ्री थ्री से करेंगे वन नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्टीन थ्री थ्री से कर दोगे ये आ जाएगा फाइव फाइव से कर दोगे आ जाएगा वन फिर से हमारे पास बचा है अब ट्वेंटी वन थ्री से करेंगे सेवन सेवन वन अब देख लो भाई हाइएस्ट कॉमन फैक्टर है एच सी एफ देखना क्या कॉमन है इसमें देख लेते हैं टू यहाँ पे नहीं है थ्री है यहाँ पे बी यहाँ पे बी और यहाँ पे भी इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है सो दैट मीन्स हमारा एच सी एफ हो गया थ्री ठीक है एल सी एम इज फोर ट्वेंटी एंड एच सी एफ इज थ्री यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए नहीं बोला लेकिन एग्जाम में अगर आपको लगता है यार मेरा कहीं गलत तो नहीं हो तो आप वेरीफाई करके देख सकते हो इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना दोनों सेम आने चाहिए ठीक है चलो आगे देख लो सेवेंटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी नाइन अब यहाँ पे देखो जरा एक चीज आपको देखते ही समझ आनी चाहिए कि 17 23 29 तीनों ही बेटा प्राइम नंबर्स हैं सो so, इसका एचसीएफ क्या होगा व्हाट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिंस ये तीनों नंबर्स ही हमारे प्राइम हैं तो जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें हमें पता है क्या कॉमन फैक्टर बचता है सिर्फ 1 सो so, इसका एचसीएफ होगा बेटा 1 और अगर हम एलसीएम निकालने भी जाते हैं तो पूरी हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसका अरे भाई रब तो हो जा इसका एलसीएम क्या होगा हमारा क्योंकि देखो एक बार 17 17 से 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 करोगे 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 फिर फिर तो 23 into 29 तो ये आपको करना पड़ेगा ठीक है और देखो यहाँ पे एक चीज और यहाँ से समझ आएगी मल्टीप्लाई में करके अभी दिखा देती हूँ जो मल्टीप्लाई करके आएगा अब जो हमारा चलता है कि सबका प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए एलसीएम इन एच जो भी यहाँ मल्टीप्लाई करके आएगा आप क्या कर रहे हो प्रोडक्ट ही तो कर रहे हो एलसीएम टू एच करोगे तो वन है सेम ही आएगा ठीक है तो वेरिफिकेशन भी हो जाएगी साथ के साथ अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा लेती, देख लेते कोई भी दो पैर ले लो या ट्वेंटी नाइन को पहले 17 से कर लो किसी भी पैर में कर सकते हो तो हम पहले 17 और ट्वेंटी थ्री को करते हैं सो ट्वेंटी थ्री को अगर हम 17 से करेंगे हमारे पास आ जाएगा सेवन थ्री 21, ट्वेंटी वन सेवन टू 16 फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एंड अगेन वन से करेंगे ये आ जाएगा जी थ्री ये आ जाएगा जी टू ये आ गया वन एंड सिक्स सेवन एट नाइन एंड टू थ्री अभी थ्री नाइनटी वन हमारा एलसीएम नहीं आया अभी ट्वेंटी नाइन बचा हुआ है ना सो so, इसको आगे फर्दर कर देंगे हम ट्वेंटी नाइन से ठीक है इसको ऊपर कर लेते हैं ये क्या बात हुई सिलेक्ट ही हो गया पूरा चलो वी हैव नाइन वन जा नाइन 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 एट्टी वन नाइन थ्री इजा ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन सो यहाँ पे आया थर्टी फाइव आप पूरी मैथ सेशन में देखना मेरी जो कैलकुलेशन है ना एडिशन वाली वो ऐसे ही चलते हैं अगर नाइन प्लस थ्री करना है तो नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व डॉट नहीं लगे टेन इलेवन ट्व ऐसी कैलकुलेशन होती है एट प्लस करने तो ऐसे 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 करेंगे मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे प्लस करने में ठीक है चलो सो so, ये हमारे पास आ गया अभी हम नाइन से किए टू से करते हैं सो so, ये आ जाएगा टू वन ज टू टू नाइन जी एटीन मन यहाँ पे कैरी है भाई थ्री टू जिक्स प्लस वन सेवन ये आ गया नाइन टू प्लस वन थ्री एंड एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन एंड वी हैव सेवन एट नाइन टेन इलेवन so one one three three nine so we have one one three three nine this is the LCM ठीक है कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं सो थर्ड पार्ट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं पहले तो ये मल्टीप्लीकेशन हटा देते हैं एंड ये सब भी हटा दो भाई चलो हो गया साइड पे अब देखो थर्ड पार्ट में क्या है एट नाइन और ट्वेंटी फाइव स्टार्ट कर लेते हैं टू के टेबल से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि एट तो हो जाएगा ना टू से सो so, से किया ये आ गया बेटा एज एज इट इट इज इज टू से कर लेते हैं ये आ गया हमारे पास टू नाइन एज इट इज ट्वेंटी फाइव एज इट इज फिर से टू से कर लेते हैं ये आ जाएगा वन नाइन एज इट इज ट्वेंटी फाइव एज इट इज अब थ्री के टेबल से कर लेते हैं क्योंकि नाइन हमारा थ्री के टेबल से हो जाएगा सो थ्री की से करेंगे आ आ जाएगा one, गया थ्री से three से कर दो आ जाएगा येगा किस किससे करेंगे फाइव से करेंगे सो ये आ जाएगा वन वन एंड फाइव लास्ट टाइम अब एक बार फाइव से कर दोगे तो यह आ जाएगा वन 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 ओके जी चलो प्लस कर लो टू टू झा फोर फोर टू झा एट एट थ्री ट्वेंटी फोर सो so, यहाँ तक आ गया ट्वेंटी फोर अब ये देख लो फाइव फाइव 25 ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री बच जाएगा चलो पहले कर लेते हैं ट्वेंटी फाइव को ट्वेंटी फोर से एंड देन थ्री बच जाएगा तो उसको भी कर लेंगे ये आ जाएगा फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी फोर टू जट नाइन टेन देन वी हैव फाइव टू ज़ा टेन देन टू टू जै फोर फाइव सो ये आ गया जीरो जीरो सिक्स सो ये आ गया सिक्स हंड्रेड पर अभी इसको हमें थ्री से भी करना है ना बस तो ये सिंपल है यार सिक्स 3 18 तो ये आ जाएगा 1800 एलसीएम हमारा हो गया 1800 ठीक है क्लियर यहां तक अब एचसीएफ निकाल ले एचसीएफ तीनों का अलग-अलग निकालना पड़ेगा साइड हो जाती हूं मैं सो वी हैव पहले 8 का निकाल देते हैं क्यों नहीं आया यार तू टू से कर दो टू से करेंगे ये आ गया फोर फिर से टू से करोगे आ जाएगा टू टू एंड वन नेक्स्ट क्या है हमारे पास वी हैव नाइन थ्री से करेंगे तो या आ जाएगा थ्री 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 और वन एंड लास्ट हमारे पास है ट्वेंटी फाइव किससे करना पड़ेगा इसको फाइव से करेंगे ये आ गया फाइव फाइव वन नाउ यू विल सी ही भाई यहाँ पे टू है उधर थ्री है उधर फाइव है एच सी एफ तो है ही नहीं कुछ कुछ भी नहीं मिला हमें कॉमन तो है ही नहीं

सेवेंटी टू से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं फाइव टू जा टेन टू टू जा फोर फाइव अगेन सेवन से करना है सो सेवन फाइव थर्टी फाइव एंड ये हो जाएगा सेवन टू जा हो गया. Then 7, 8, 1. क्या आया 1800 आया. बेटा? देखो numbers का जो है है. वो हमारा करोगे तो क्या है भाई एटीन हंड्रेड इंटू वन विच इज गोइंग टू बी एटीन हंड्रेड होनी तो यहाँ पे हैंड टू हैंड वेरिफिकेशन भी हो गई ठीक है so सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है complete, है ठीक है तीन ही पार्ट से थर्ड क्वेश्चन था फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं

प्रोडक्ट ऑफ नंबर टू एल सी एम इन टू एच सी एफ अब ये करने का भी दो तरीके कि आपने सीधा इनको इन बड़े-बड़े को multiply किया and then उसको 9 से कर दे, तो आपका आ जाएगा लेकिन हम पहले क्यों इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लीकेशन करें हम सिंपल इसको लिखेंगे भाई थ्री जीरो सिक्स इन टू सिक्स फाइव सेवन इक्वल्स टू एल सी एम हमें निकालना है एच सी एफ क्वेश्चन में नाइन गिवन है नाइन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा तो इसको मल्टीप्लाई करने से पहले ही अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर्स कुछ थोड़े से छोटे हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएगा है ना सो so, थ्री के टेबल से कर सकते हैं ये आ जाएगा थ्री ये आ जाएगा थ्री वन जी जीरो एंड थ्री टू जिक्स ये हमारा अभी थ्री के टेबल से फिर से हो जाएगा सो so, ये आ जाएगा थ्री वन जी ये आ जाएगा थ्री थ्री जा नाइन बचा ट्वेल्व सो थ्री फोर सा ठीक है सो वी आर लेफ्ट विद अच्छा ये किसके इक्वल है भाई के सो so, हमें सिर्फ आप इतने बड़े नंबर की जगह हमें क्या करना है सिक्स फाइव सेवन को मल्टीप्लाई करना है थर्टी फोर से देखो उस तरीके से भी आंसर तो गलत नहीं होते लेकिन देखो पहले आप इतनी बड़ी मल्टीप्लीकेशन देन उसकी जब डिवीजन करते तब भी गलती होने के चांसेस है तो क्यों हमें बेकार में अपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल ले ऐसे कर लेते ना डायरेक्ट सो so, ये हो जाएगा हमारा सेवन फोर ज्वेंटी एट देन वी हैव है ट्वेंटी प्लस टू ट्वेंटी टू हो जाएगा देन सिक्स फोर ज़्यादा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स एंड ये हमारा हो गया थ्री के टेबल से करते हैं इसको हटा दो ऊपर वाले को कोई गलती करा दे हमारे से चलो थ्री के टेबल से कर दो 73 थ्री ज़ा थर्टी वन क्यों लिख दिया मैंने सेवन थ्री मुझे ऐसे अलग से अंदर से ना पता चल जाता है कि क्वेश्चन गलत होने वाला है इसलिए मैंने पहले वो रब किया था सो सेवन थ्रीज आर ट्वेंटी वन एंड देन वी हैव फाइव थ्रीज़ आर फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एंड देन वी हैव सिक्स थ्रीज आर एटीन प्लस वन नाइनटीन सो या गया एट देन टू प्लस वन थ्री देन वी है हो हो जाएगा 10, 12 हो जाएगा और ये आ गया गया so, हमारे पास LCM आ गया बेटा 2, 2, 3, 3, 8. Again, आपको अगर इसको इसको भी चेक करना है भाई तो आप मल्टीप्लाई कर लेना नाइन से और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना दोनों का आंसर सेम आएगा ठीक है बड़ी बचकानी चीज होगी यार में मत बढ़ाना बट इस तरीके से हम कर सकते हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन देख लो चेक वेदर

मतलब को फिर मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो आप इसमें एक पैटर्न नोटिस करोगे कि टेन भी, तो भी कर दोगे सिक्स टाइम्स आप टेन को मल्टीप्लाई करोगे जब भी मल्टीप्लाई करोगे यहां पे जो दो नंबर आपको यूनिट प्लेस पे दिखेंगे वो दोनों सिक्स ही होंगे तो सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स तो जब भी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस पे हमेशा नंबर क्या आएगा आएगा, करेक्ट सो so, देखो क्वेश्चन तो नहीं हो सकता आप कोई भी नंबर लिख लो एंड हमेशा जो भी रिजल्ट होगा उसकी यूनिट डिजिट सिक्स होगी बेटा क्योंकि सिक्स थर्टी सिक्स होता है ऐसे ही अगर यहां पे टू रेस टू दी पावर पूछा होता तो एंड डिजिट क्या होगी टू टू झा फोर उसकी यूनिट डिजिट फोर होगी थ्री का पूछा होता है थ्री रेज टू दी पावर एनी होगा थ्री थ्री जा लास्ट में नाइन ही आएगा फोर फोर जा सिक्सटीन लास्ट में सिक्स ही आएगा फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव लास्ट में फाइव ही आएगा ठीक है So, समझ में आ गया क्या चीज क्वेश्चन में पूछी थी और कैसे करना है so, this was the fifth question. Next question पे चलते हैं। अभी ये composite number क्यों होंगे? पहले तो रिवाइज कर लेते भाई कॉम्पोजिट नंबर हमने क्या पढ़ा था

प्राइम नंबर्स है जब हम बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर की वापस आ जाते हैं इसके तो हम कह सकते हैं अगर कोई नंबर उसके फैक्टर्स दो से ज्यादा है सो so, वो नंबर हमारा क्या होगा वो नंबर हमारा कॉम्पोजिट नंबर होगा सो so, यहाँ पे हम यही चीज प्रूव करेंगे कि जो आपने हमें दे रखे हैं ना इसकी जो फैक्टर्स है वो दो से ज्यादा है मतलब वन तो है ही नंबर इट सेल्फ भी है उसके अलावा भी एक और फैक्टर है तो वो मेरा कॉम्पोजिट नंबर बन जाएगा ठीक है जरा इसको रब कर लेते हैं ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है एंड स्टार्ट करते हैं अब ये शो कैसे करेंगे ये भी तो बड़ी बात है एक तरीका तो यही है भाई कि सबको मल्टीप्लाई कर दो प्लस थर्टीन कर दो जो नंबर आएगा उसको प्राइम फैक्टर्स करके दिखा दो कि देखो भाई इसकी है फैक्टर ज्यादा ठीक है अदरवाइज क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे हमारे पास अगर मैं यहीं पर समझा रही हूँ इसमें से थर्टीन कॉमन लू मैं थर्टीन कॉमन कैसे लेते हैं भाई ये सब हो रहे हैं मल्टीप्लाई और ये हो रहा है प्लस सो so, इस बैकेट में से और इस बैकेट में से मैंने थर्टीन कॉमन ले लिया अब इसमें क्या बचेगा सेवन इनटू 11 13 तो बाहर चला गया तो उसकी जगह वन हो जाएगा एंड प्लस अगेन 13 बाहर चला गया तो यहाँ पे सिर्फ वन बचा अब देखो ये है 13 यहाँ पे देख लो सेवेन 11 इनटू सेवेन 77 इनटू वन 77 ही हो जाएगा सो ये संयोग है 77 एंड साथ में प्लस वन है सो ये आ गया 13 एंड इनटू में 77 प्लस वन हो जाएगा बच्चे बच एट ठीक है तो थर्टीन को अब इसको बड़ा मल्टीप्लाई करके देन प्राइम फैक्टराइज करने की जगह थर्टीन को एज इट इज छोड़ दो सेवेंटी एट के फैक्टर्स बना लो सो सेवेंटी एट के जब मैं फैक्टर्स बनाऊंगी सो so ये आ जाएगा जी टू के टेबल से किया तो ये हमारे पास हो गया थ्री जा किया सिक्स एटीन आएगा नाइन पे थर्टीन से करोगे सो so ये आ जाएगा थ्री थ्री से करोगे ये आ जाएगा वन सो so फैक्टर्स क्या हो गए सेवेंटी के टू इन में थ्री तो भाई ये जो नंबर हमारे पास पूरा आ रहा था उसके देख लो भाई थर्टीन भी एक फैक्टर है उसका टू भी फैक्टर है थ्री भी फैक्टर है तो है ना फैक्टर्स ऐसा तो नहीं है कि इसको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आए सिर्फ वो और वन फैक्टर है ऐसा तो नहीं हो सकता वैसे तो मल्टीप्लीकेशन से पता चल रहा है भाई अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके एक से ज्यादा फैक्टर्स है तभी यहाँ पे आ रहा है ठीक है जी चलो सेम चीज यहाँ पे समझते हैं हम इस वाले पार्ट में ठीक है सो वी हैव अगेन सेम चीज करें फाइव यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है ये एक ब्रैकेट हो गया ये अलग ब्रैकेट हो गया दोनों में से फाइव कॉमन ले लो फाइव कॉमन लिया यहाँ पे क्या बचा सेवन

सिक्सटीन देन टू से करेंगे टू टू ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट तो प्लस करके डायरेक्ट यहाँ लिख लूँ मैं ये आ जाएगा मेरे पास एट ये आ गया टेन एंड ये अगेन टेन आ गया सो वन जीरो जीरो एट प्लस वन सो so ये आ गया फाइव इन वन जीरो ज़ीरो नाइन ठीक है अब पे देखो अगेन मल्टीप्लाई करोगे फैक्टर्स बना लो क्योंकि पे अगर मैं 1009 को ना फैक्टराइज जैसे पूरा जो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा प्राइम नंबर होगा कॉम्पोजिट कैसे होगा क्यों प्राइम होगा मेरी जान यहाँ पे देखो ना जब आप यहाँ पे इसको फाइव से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका एक फैक्टर फाइव भी तो बन जाएगा कंफ्यूजन अवॉइड करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है वी हैव वन जीरो जीरो नाइन इन टू फाइव वैसे यहाँ पे क्लियर होना चाहिए भाई कि आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो जब उसके आगे फैक्टर्स बनाओगे तो फाइव भी तो एक फैक्टर होगा लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं करके दिखा रहा नाइन फाइव जा सो वी हैव फाइव जीरो जा जीरो प्लस फोर फाइव जीरो जा जीरो फाइव वन सो ये आ गया फाइव क्वेश्चन so में बोला है ये नंबर को बताओ कॉम्पोजिट होगा क्या तो अभी बता देते हैं चलो भाई, आओ प्राइम करते हैं. कर दिया क्या मैंने बहुत ज्यादा चलो कोई बात नहीं फाइव जीरो फोर फाइव फाइव जीरो देखते पता चल रहा है फाइव से डिविजिबल है तो इसको जब मैं फाइव से करूंगी आ जाएगा वन जीरो जीरो नाइन अब वन जीरो जीरो नाइन एक प्राइम नंबर है बचा वन तो जब मैं इसके फैक्टर्स लिख रही हूँ वहीं वापस आ जाएंगे लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसा किया सो so, फाइव और वन जीरो जीरो नाइन इंटू वन बेसिकली सो ये आ गए इसके फैक्टर्स विच मींस के ये नंबर मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया वो तो प्राइम नंबर नहीं है ना हमारा क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स है नंबर इट भी है साथ में दिख रहा है हमें ये दो इसके फैक्टर्स हैं ठीक है समझ में आ गया समझ में आना जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन कम आते हैं एग्जाम में लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं, है ठीक है मूविंग टू दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज देर इज अर्कुलर पाथ अच्छा विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन पहले मैं बता दूं अगर आपने इंट्रोडक्शन मिस किया है तो प्लीज गो वॉच दैट वीडियो बिकॉज इसमें छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट हमने क्लियर करे जो आगे जाके आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं तो प्लीज आप वो वीडियो देखना एंड क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि उसमें यहाँ पे कौन से कंसेप्ट की मैं बात कर रही हूँ जब भी आपके पास जहाँ पे जिस चैप्टर में हमारे पास जैसे एल सी एम एच सी एफ है सो जब भी ऐसा होगा कि आपके पास एल सी एम एच सी एफ निकालना होगा तो ये कन्फ्यूजन होती है कि यार एल सी एम निकालना है एच सी एफ निकालना है तो हमेशा आपने इमेजिन करना है कि आंसर बड़ा आएगा कि छोटा आएगा अगर तो आंसर जो नंबर आपको लगता है इससे छोटा आएगा सो तो आप हमेशा एच सी एफ निकालोगे जब भी आपको लगता है आंसर बड़ा आएगा तो आप एल सी एम निकालोगे अभी हम यहाँ पढ़ेंगे क्वेश्चन और देखेंगे कि इसमें क्या निकालना है हमें क्योंकि इतने क्वेश्चंस करके आ रहे हो तो इतना तो बता चल रहा है कि एच सी एफ छोटा नंबर होता है एलसीएम बड़ा नंबर होता है जब भी बड़ा नंबर आंसर आने तो एलसीएम छोटा नंबर आंसर आने तो एच सी एफ सिंपल चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक मिनट बस थोड़ा सा पानी पी लू मैं द क्वेश्चन सेकुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड एक सर्कुलर पाथ है इस तरीके से कुछ सर्कुलर पाथ होगा सोनिया टेक्स एटीन मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड सो लेट सपोज सोनिया ने यहां से स्टार्ट किया एंड एक पूरा ये राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को कितना टाइम लगा एटीन मिनट्स लगे भाई नेक्स्ट उसने बोला है वाइल रवि टेक्स ट्वेल्व मिनट्स फॉर द सेम अब यहाँ यहीं से इसी पॉइंट से रवि ने भी स्टार्ट किया था रवि को ये पूरा राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा भाई उसको लगे ट्वेल्व मिनट्स ठीक है जी नाउ सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम तो सेम सेम टाइम पॉइंट पे एंड इन द सेम डायरेक्शन सब कुछ सेम है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट दी स्टार्टिंग पॉइंट अब ये कितना हो सकता है ये चार चक्कर काट के उसके दो चक्कर कटे हो कितने टाइम बाद वो फिर से एक पॉइंट पे आके मिलेंगे अब देखो जरा कॉमन सेंस लगाओ थोड़ी सी कि 12 और 18 मिनट उसको 12 मिनट लग रहे हैं पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में उसको 18 मिनट लग रहे हैं पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में तो जो हमसे पूछा है कि कितने मिनट्स बाद मिलेंगे तो वो 12 और 18 मिनट से तो ज्यादा ही होगा तो यहाँ से क्या पता चलता है भाई कि हमें निकालना पड़ेगा बच्चे एल सी एम ठीक है ये कंफ्यूजन आपकी दूर रहनी चाहिए पूरे साल की किसी भी क्वेश्चन में देख के आपको ये ना टेंशन हो कि इसमें एलसीएम निकालना था कि एच ठीक है क्योंकि छोटा इससे कम टाइम तो नहीं मिल लग सकता ना कि वो मिले एक पॉइंट पे इससे तो ज़्यादा ही मिनट्स लगेंगे ना और वो चक्कर काटे जा रहे एक चक्कर काट में काटने में जब उसको बारह मिनट और अठारह मिनट लग रहे हैं तो इससे तो ज़्यादा ही टाइम मिलेगा जब वो आके मिलेंगे अब हमें पता चल गया एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकाल देते हैं कौन कौन से दो नंबर्स हैं हमारे पास वी है बट so, कोई फायदा नहीं है भाई, 2 लेना ही पड़ेगा तो टू से कर दो नाइन अभी एज इट इज लिख दो सिक्स की जगह आ जाएगा थ्री अब कर दो थ्री से आ जाएगा वन एंड नाइन की जगह आ जाएगा थ्री एंड वी है ठीक है क्लियर अब एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई है Two four, four are, sorry, two four, four भाई वो लोग मीट करेंगे एक पॉइंट पे ठीक है अब यहाँ पे मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई <laughs> है गलती इन द सेंस आंसर ठीक है बट मैंने सोचा था इस साल क्योंकि मैं हमेशा ऐसे समझाती हूँ तो मैं आपको ना ये भी बता दिया वैसे आपको पता चल जाए करेगा है ना मुझे कमेंट्स में बता देना ये तो पहली एक्सरसाइज है आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि मैंने सोचा था आपको सॉल्यूशन भी दिखा कि बेटा आपने इस तरीके से लिखना है ठीक है कि ऐसे हाउ मच टाइम यू रवि टेक्स दिस मिनट्स एंड सोनिया टेक्स दिस मिनट एंड uh, देन करना बट मुझे लगता है तुम्हें तो पता होगा है ना यहाँ तुम सिर्फ क्वेश्चन सीखने आते हो ना तो चलेगा ना ऐसे चलो आई मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि आगे के लिए मैं वैसे रख लूँ अभी के लिए एक्सरसाइज वन पॉइंट वन होती है कंप्लीट थैंक यू सो मच दिस वाज योर रैशनलाइज तो आपको पता है कौन सी एक्सरसाइज है क्या है सब है भूलना नहीं है ठीक है जी चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में